हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रिव्यू इस कॉलर फैन का। आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसको यूज़ करने के बाद मेरे को क्या क्या इसके अंदर कमियां नज़र आई, तो सारी वीडियो में जानकारी आपको इस मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसका जो ऑर्डर का जो प्राइस है, इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो मेरे को पड़ा 520 रुपये। इस प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीज़ आई आपको बताया था, उसके साथ में कुछ नहीं आया। इसके साथ सिर्फ यही कॉलर फैन आया है, ना कोई चार्जर, ना कोई केबल, ना कुछ, ठीक है। तो ये थी इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी बात करी जाए इस प्रोडक्ट के साथ, इसका बैटरी बैकअप, क्योंकि बैटरी बैकअप सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको जो है कम से कम बैटरी बैकअप तो अच्छा हो, जिसकी वजह से इसको आप इसको यूज़ कर सको। और इसकी हवा के बारे में, इसकी हवा कैसी है, आपको इसकी हवा लगेगी या नहीं लगेगी। बैटरी बैकअप की बात की जाए, इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि आपको जो ये प्रोडक्ट है आपको कम से कम 2 घंटे चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है। मैंने इसको 3 घंटे चार्ज किया कम से कम, वो भी दो दो बार, और इसका जो बैटरी बैकअप निकल के आया वो निकल के आया 15 से 20 मिनट बेस्ट लास्ट। पहली बार में 20 मिनट, दूसरी बार में 15 से 18 मिनट के आसपास में इसका बैटरी बैकअप मेरे को मिला, और कुछ टाइम बाद के बाद में ये बिल्कुल डाउन हो गया। तो ये था इसका बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप में इसका जो स्कोर है बिल्कुल 0 निकला। वही बात करी जाए इसकी हवा की, तो हवा का जो है इसका सिस्टम है वो अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर 3 मोड्स हैं। पहला थोड़ी कम स्पीड, दूसरा थोड़ी तेज स्पीड, और तीसरा थोड़ी फास्ट स्पीड। तीसरी स्पीड में ये आवाज़ भी करता है काफ़ी हद तक, जैसा कि आप सुन सकते हो। और आप जब इसको कॉलर पे लगा लोगे तब भी आपको इसकी आवाज़ जो है वो काफ़ी अच्छी सुनाई देगी, आपको महसूस होगा कि आपने कॉलर के ऊपर कुछ लगा रखा है। वहीं बात करी जाए इसकी हवा की, तो हवा इसमें अच्छी खासी आती है, आपको कूलिंग महसूस देता रहेगा कि हाँ भाई आपके ऊपर पंखा चल रहा है, हवा तो अच्छी है इसकी, है ना। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो है हमारी बैटरी बैकअप की, हवा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं बात करी जाए इसके साथ बैटरी कैसी आती है, तो इसके अंदर एक आता है सेल, इस तरीके का सेल होता है। और जो है और क्या बात करी जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑन एन एवरेज है। प्राइस के हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये वाला हिस्सा मूव नहीं होता है, ये फिक्स एरिया है। और जो महंगे बैंड्स होते हैं या फिर महंगे जो पोर्टेबल कॉलर फैन होते हैं उनका ये वाला हिस्सा ही मूव होता है, जिससे आप इसको आसानी से पहन सकते हैं। लेकिन इसका ये वाला हिस्सा फिक्स है और ये वाला हिस्सा इसका मूवेबल है। बट अगर इस मूवेबल हिस्से की बात करी जाए तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी ऑन एन एवरेज है, लगता है कुछ टाइम बाद ये टूट जाएगा बहुत जल्द। तो मैं तो करने जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट को रिटर्न, बाकी आपकी मर्जी। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो भाई नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। बाकी मेरी राय तो यही है, आप इसको ना खरीदें, कुछ टाइम बाद आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और उसके रिप्लाई आपको जरूर दे दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।